Now coming to the next question, this is question number 29 of set 1 and question number 27 of set 2. Set 3 mein ye question nahi hai. The question is, prove that in a right angled triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of square of the other two sides. So question padh ke aapko pata chal jayega, yahan pe hame Pythagoras theorem ko prove karna hai. To uske liye ye prove humne bahut baar pehle bhi questions mein kiya hua hai. So, सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं. ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया इस तरह से. राइट, लेट्स नेम इट ए बी सी. आप क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी हमें कंस्ट्रक्शन करनी होती है कि हम इस बी पॉइंट से ए सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. सो बी पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए सी के ऊपर, लेट्स कॉल इट बी डी. तो वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं BD परपेंडिकुलर टू AC. ठीक है, तो यहां पे परपेंडिकुलर है तो मतलब ये जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के हैं. अब यहां पे ये जो बड़ा वाला एंगल है और ये जो दो छोटे एंगल्स बने हैं इनको हम करेंगे सिमिलर प्रूफ. सो इन ट्रायंगल ABC, ABC मतलब जो हमारा पूरा बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल ABD मतलब ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल. ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारे पास 90 डिग्री है मतलब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और बड़ा वाला तो हमारे पास राइट एंगल है ही जहां पे बी 90 डिग्री. सो आई कैन राइट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, या आप इसको इलैबोरेट करके लिख सकते हो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी डी ए, और दोनों ही हमारे पास 90 डिग्री के हैं. राइट, देन अब इसके अलावा अगर आप देखो ये ट्रायंगल और ये छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन है, सो वी कैन राइट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए जो कि कॉमन है. तो हमारे पास दो चीजें आ गई. सो आई कैन राइट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी बाय ए सिमिलैरिटी. ठीक है, अब अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिए तो हमें पता है कि जब हम दो ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड प्रोपोर्शनल होती है. तो इसकी आप साइड्स जब लोगे ना तो साइड्स को आपको इस तरह से लेना है कि जो हमें प्रूफ करना है उसमें हेल्प हो. तो प्रूफ क्या करना है, एबीसी में एसी हाइपोटेन्यूस है, एसी का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, मतलब एबी के स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर के इक्वल है. राइट, सो अब मैं यहाँ पे साइड्स इस तरह से लूंगी कि मुझे इनमें से किसी का स्क्वायर बना सकूं. सो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास ट्रायंगल है इसमें हम लेते हैं एडी, जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसकी साइड लेते हैं एडी, और फिर कौन सी साइड होगी साथ में एबी, इक्वल होगा हमारे पास एबी अपॉन एसी. बड़े वाले ट्रायंगल में देखो एबी अपॉन एसी कर दिया हमने. राइट, अब इससे होगा क्या, यहाँ पे जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एबी का स्क्वायर बन जाएगा, इसीलिए जो आप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लोगे वो इस तरह से लोगे कि हम यहाँ पे इन तीन में से या इसमें से कुछ यूज कर सके. सो इसको अगर मैं लिखूं तो आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एबी का स्क्वायर इक्वल्स टू एसी इंटू एडी. अब इसको हम इक्वेशन वन बना के छोड़ देते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. जैसे हमने इस वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव किया है, इसी तरह से ये वाला जो ट्रायंगल है, मींस नाउ वी टेक इन ट्रायंगल एबीसी बड़ा वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल बीसीडी मींस ये वाला ट्रायंगल. ठीक है, इसको आपने अभी 90 डिग्री है तो यहां से इस तरह से देखना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है. अगेन सीडीबी मतलब इधर से तो एंगल बी है इक्वल होगा एंगल डी के, पूरा लिख सकते हो एबीसी 90 डिग्री एंड सीडीबी या बीडीसी 90 डिग्री इक्वल होंगे, दोनों 90 डिग्री के हैं. देन अब कौन सा एंगल सी दोनों में कॉमन है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल सी है और बड़े वाले में भी. सो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी दैट इज कॉमन. सो दो चीजें हमारे पास आ गई, वी कैन से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी सी डी के अगेन बाय ए ए सिमिलैरिटी. अब फिर से यहाँ की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी है आपको ऑल्सो, जब ये हम लिखेंगे ना तो आपको मेंशन करनी है थ्योरम की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल होते हैं, ये सब मेंशन करना पड़ेगा. सो अब इसकी साइड्स पे आ जाओ. अगेन इसकी भी जो साइड्स लेंगे वो हम ऐसे लेंगे कि हम किसी चीज का स्क्वायर कर सके. दोनों में यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में बीसी कॉमन है सो वो एक ले लेते हैं, हम ये हो जाएगा सीडी
और बीसी ले लिया हमने तो अभी इक्वल किसकी होगी, यहाँ का अगर आप सीधे देख रहे हो तो वो बीसी अपॉन एसी के, ठीक है, ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आ गई हमारे पास। सो अगेन इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा सी डी इंटू एसी और यहाँ पे हो जाएगा बीसी का स्क्वायर। सो ये आ गई हमारे पास सेकेंड चीज। अब यहाँ पे एबी का स्क्वायर आ गया मतलब ये वाला, और यहाँ पे बीसी का स्क्वायर आ गया मतलब ये वाला। तो अब हम इक्वेशन वन और टू को एड कर देंगे। सो फॉर दैट मैं ये फिगर जो हमने बनाई है इसको रब कर रही हूँ। सो नाउ एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, वन और टू को एड कर रहे हैं। वन है ए बी का स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड से ही करना है, तो देखो हमें बी सी स्क्वायर इधर लिखना है, तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख देंगे कि बी सी का स्क्वायर इक्वल है ए सी इंटू सी बी, क्योंकि हमें ए बी प्लस बी सी स्क्वायर करें, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, वहां पे क्या है हमारे पास ए सी इंटू ए बी प्लस इधर क्या है हमारे पास ए सी इंटू सी डी, राइट। सो हमारे पास ये चीजें बची ए सी इंटू ए डी और ए सी इंटू सी डी, और ये दोनों आपस में एड हो रहे हैं। सो अब इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल है, अब यहां से हमें दोनों में ए सी कॉमन मिल रहा है, तो ए सी कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा ए डी प्लस इधर क्या बचा सी डी। अब हमने फिगर रब कर दी है, फिगर हमारी कुछ इस तरह से थी, वो मैंने रब कर दी है, बट आपको बताने के लिए मैं फिर से एक रफ फिगर बना लेती हूँ। ये था हमारा ए बी सी और ये था हमारा पॉइंट डी, तो ए डी प्लस सी डी, ए डी ये है सी डी ये है, ए डी प्लस सी डी मिलके क्या बना रहा है ए सी बना रहा है। सो ए डी प्लस सी डी को आई कैन राइट ए सी, करेक्ट। सो ये हो जाएगा ए सी और यहाँ पे भी हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करके ए सी, तो ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नाउ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल हो गया ए सी इंटू ए सी इज ए सी का स्क्वायर। सो यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, राइट। सो इस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। नाउ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ सेट 1, क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ सेट नंबर 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।